नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम चर्चा करेंगे अपने मुद्दे में एकनाथ शिंदे जी के बारे में। जी हां, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के बारे में। आजकल वो जो है, चाहे गणपति में भी जो है सबके घर घर जाके उन्होंने सबसे मिलना जुलना रखा। अभी नवरात्रि में सब जगह घूम रहे हैं और पूरे महाराष्ट्र का दौरा हर प्रांत में कर रहे हैं। एक समय में जो है राष्ट्रवादी के नेता उप मुख्यमंत्री थे आर पाटिल जी, जो भी दिवंगत हो चुके हैं, वो भी लोगों के संपर्क में ज़्यादा रहते थे और एक आम नेता बन के रहते थे। क्या उन्हीं के रास्ते कदम पे वो चल रहे हैं शिंदे साहब? इसी पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, क्या मानते हैं इसी बात को जो मैंने अभी कहा? बिल्कुल बिल्कुल, आपने 16 ने सच कहा जी, और या 100% सच कहा। कैसे है ना कि मैं हर मुख्यमंत्री में पहले हो गए हुए किसी मुख्यमंत्री की छाया या प्रतिमा देखना पसंद करता हूँ। वो मेरा स्वभाव है कि ये मुख्यमंत्री ना, इसके पहले इसका कौन मुख्यमंत्री था, इसी तरह का। अभी फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे तब मैं उनकी तुलना हमेशा शरद पवार जी से करता था, क्योंकि शरद पवार के जो गुण हैं और जो दुर्गुण भी हैं वो दोनों इनमें थे। खाली एक शरद पवार का एडिशनल दुर्गुण ये था कि वो नीति अनीति का विधि निषेध नहीं रखते थे। दूसरी, करप्शन के बारे में उनका कहना ये जाता कि पार्टी के लिए और पर्सनल प्रॉपर्टी के लिए जो भी करना है उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। फडणवीस साहब का वो नहीं था, वो कोई मूल्य विवेक उनमें था। करप्शन के बारे में वो बहुत सख्त थे कि भाई मैं नहीं करूँगा और किसी को करने भी नहीं दूँगा, उनका ये नाता था। तो बुद्धिमत्ता, राजकीय नीतिमत्ता और राजकीय चाणक्य बुद्धि, इसमें वो शरद पवार के टक्कर के नेता थे। अभी हमारे जो उद्धव जी हैं वो मुख्यमंत्री के रूप में हमेशा मुझे बाबा साहब भोसले, जो पहले एक बार 81-82 में मुख्यमंत्री हंतुली जी के बाद में हुए थे, उनकी याद बहुत दिलाता था क्योंकि मैं बाबा साहेब भोसले जी के बहुत करीब था और बाबा साहेब भोसले जी के लिए मैंने बहुत सारे कारनामे, उस समय उनका मीडिया मित्र करके बहुत सारे ये किए थे। उनमें से एक दो अगर मैं बोलूँ तो ठीक होंगे, क्योंकि बाबा विषय जब भी अपना आर पाटिल है, मगर ऐसा है कि बाबा साहेब भोसले के ऊपर एक उनकी जो बहू थी उसने आरोप लगाया था कि भाई कुछ गलत व्यवहार उनसे हुआ है। तो बाबा साहेब भोसले ने मुझे बोला है, बोले तुम मुझे जानते हो, मैं वैसे ये ऐसा अनैतिक इसमें कभी, और वो भी मेरी बेटी के समान इसमें हो नहीं सकता, तो वो झूठ बोल रही है, मगर उसका झूठ पकड़ा जाना चाहिए। तो मैं क्या किया, मैं वो सीधा जाके लड़की को मिला, मैं बोला कि क्या है। तो उसने जो मीडिया को बताया था वो झूठ मूठ का, वही बोलती रही सबके बाद। मेरे को सिक्स सेंस है और मैं क्या, वो डिटेक्टिव माइंड है मेरा। तो मैंने उसको बोला कि ये बातें सब छोड़ो, तुम्हारा जो प्रियकर है, तुम्हारा जो प्रियकर है तो कुछ है, तो एकदम हड़बड़ा गिरी। बोली तुमको कैसे पता चला? मैं बोला बात सच है कि नहीं, झूठ है, इतना ही मुझे बोलो। तो बोली बात सच है। मैं बोला फिर बाबा साहब का नाम क्यों ले रही हो तुम? तो बोली मैं घबरा गई और मेरे प्रियकर का नाम लेने की हिम्मत नहीं थी और वो प्रियकर भी भाग गए, तो इसके लिए मैंने उनका नाम लिया। मैं बोला ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बोली मैंने एक चिट्ठी भी लिख के रखी थी और उसका जो पति है अशोक करके, बाबा साहब का बेटा, बोली उसके पिलो के नीचे रखी थी कि मी ह्याचा स्वतंत्र जीवन जगण्याकरता घराचा त्याग करून निघून जात आहे, और मैं घर से बाहर निकली और एक्सीडेंट हो गया, मैं फंस गई, तो मैंने इनका नाम बोल दिया। तो मैं उधर उनके घर गया, वो उधर शिवसृष्टि करके कुरला नाके पे एक वसाहत है वहाँ पे, और वो चिट्ठी पा ली और वो चिट्ठी बाबा साहब को दिखाई। मैं बोला, और इंदिरा गांधी ने उनको बोला था 48 घंटे के अंदर अगर आपको क्लीन नहीं करते साबित तो रिज़ाइन कर दो। तो मैंने वो चिट्ठी दिखाई, मैं बोला ये ऐसा मामला है। तो बोले ठीक है कि ये, मगर वो बोले तुम्हारे गगन विधि विधि का इसके में फ़ायदा नहीं, ये लोकसत्ता में हेडलाइन होना चाहिए और इंडियन एक्सप्रेस में होना चाहिए, तभी वो दिल्ली और महाराष्ट्र में उसका इम्पैक्ट आएगा। तो मैं गया, उस समय विद्याधर गोखले संपादक थे इसके लोकसत्ता के, तो उनके पास गया। मैं बोला ये मामला आपने हेडलाइन पे लगाया कि बाबा साहेब भोसले और सुनीता गंभीर आरोप वगैरह वगैरह, तो उसकी हकीकत ये है, ये चिट्ठी भी है और मुझसे, मैं उससे जाके मिल चुका हूँ और सीक्रेट रिकॉर्डर पर मैंने रिकॉर्ड भी किया है उसका पूरा स्टेटमेंट कि वो प्रियकर वगैरह सब, तो वो भी सुनाया उनको। तो लोकसत्ता के संपादक, सर हम अभी भ्रष्टाचार की बातें करते हैं,
मीडिया कैसे भ्रष्ट हो गया, रान बोलते ये बोलते, अरे ये रंडीबाजी सर तब से चलती थी। विद्याधर गोखले ने बोला कि ये चिट्ठी पब्लिश करूँगा, ये सच्चाई सामने आऊँगा दुनिया के, तो उनका मुख्यमंत्री पद बचेगा। ये बात सही है, पर मेरा क्या फ़ायदा होगा? तो मैं बोला आप बोलो आपको क्या फ़ायदा चाहिए, मैं करके देता हूँ। तो बोले मैं एप्लीकेशन लिख के देता हूँ, एक इधर बांद्रा में उधर रिक्लेमेशन में एक प्लॉट है जो एंटरटेनमेंट के लिए रखा है, तो वो मुझे अलॉट करो, वो मान्यता पत्र लेके आओ मेरे पास बाबा साहब के सिग्नेचर से इनवर्ड आउटवर्ड करके, तो फिर मैं ये हेडलाइन करूँगा। मैं बोला ठीक है। मैं बाबा साहब के पास गया, उनको बोला कि बाबा साहब ये हेडिंग होगी लोकसत्ता की, मगर उनको वो प्लॉट चाहिए। बोले अरे दिल्ली से मेरे ऊपर इतना प्रेशर है वो प्लॉट के लिए। मैं बोला देखो मुख्यमंत्री सलामत तो सब प्लॉट 50 आप उनके लिए दे दो। फिर उन्होंने बोला कि वो सब पेपर वेपर, मैं बोला लेके आया हूँ, वो तैयारी थे, प्लॉट नंबर वगैरह सब था उनके पास। तो विद्याधर गोखले कितना बड़ा आदमी, देखो ये कैसे बड़े अंदर से कितने लुच्चे लफंगे रहते हैं। तो उसने उन्होंने वो साइन कर दिया बेचारे ने, बाबा साहब भोसले ने, और मैं वो लेके गया उनके पास। और दूसरे दिन लोकसभा, अभी आप डिजिटल में सब अवेलेबल है, आप देख सकते हैं कि बाबा साहब निर्दोष, इंदिरा गांधी का ग्रीन सिग्नल कि आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये इसमें बड़ी बात ऐसी हो गई कि ये मामला मैं ही कह रहा हूँ ना, ऐसे एक हमारे मित्र हैं और उन्होंने एक आत्मचरित्र लिखा है, उनका नाम है उत्तम खोबरागड़े। उन्होंने उसमें लिखा है कि एक हेडलाइन के बदले 12 माले का 12 करोड़ का प्लॉट, 12 वो उन्होंने भी खुद कुछ किया नहीं, औरंग शारदा वगैरह वो बिल्डर ने बांधा, और 12 करोड़ में उन्होंने बेच दिया। एक साल के अंदर विद्याधर गोखले ने 12 करोड़ में वो ज़मीन बेच दी बिल्डर को, और इतना सा छोटा सा ऑफिस खुद के लिए रखा, उनके कंपनी उनका जो ओरिजिनल ये था उसके लिए। तो उत्तम खोबरागड़े ने उसका पूरा एक्सपोजर दे दिया, बोले कि अनिल ने ये एक हेडिंग पूरे 12 करोड़ में बेची। सर अभी हम ये इन लोगों को खोखा मिला वगैरह बोल रहे थे ना, विद्याधर गोखले ने 12 करोड़ का प्लॉट एक हेडलाइन के बदले लिया, और मैं भी साक्षी हूँ उसका। वो भी 80 दशक में, हाँ 81-82 वही 80 दशक। उसे सोचो ना 12 करोड़ क्या था, ये उसका आज के 1200 करोड़ है सर वो वहाँ पे। तो वो ये सर मैं अगर आपको एक दिन हम वीडियो बनाएंगे कि भ्रष्टाचार क्या आज ही मीडिया में है या पहले से है, पहले से। क्योंकि मैं सर एक मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर की ओर से 12 संपादकों को गाड़ी भी दे चुका हूँ, गाड़ियाँ दे चुका हूँ, गाड़ियों के नंबर मेरे पास हैं, और किसको दिया उसका भी लिस्ट है, और कौन से कंपनी से मतलब शोरूम से मिला वो भी है मेरे पास। मैं मेरा देखो मैम यही मेरा ये था मार्केटिंग और इसका बिजनेस था, तो वो मैं करता था। तो अभी बाबा साहब भोसले क्या है ना, वो एक तो आलसी थे, बहुत बहुत आलसी थे। दूसरी बात ये है कि वो सब चीज़ों में दावा देना, काय कराया जाए हु देना, और दूसरों को वो ढकलते थे। उनका नसीब ऐसा था कि एक श्रीकांत जिस्कर नाम का एक बहुत ही तेज और बुद्धिमान, जो 12 बार डबल एमए हो चुका था, 10 पदवियां उसके पे थे, वो पीएचडी कितने बार हुआ, क्या उसका आईएएस हुआ, आईआरएस हुआ, अरे बाप रे, वो असल में चीफ मिनिस्टर था उस समय, वही सब करता था जो काम होते थे। श्रीकांत जिसका वो मुख्यमंत्री थे ना बाबा साहेब भोसले, और ये राज्य मंत्री था, ये गृह राज्य मंत्री था, तो वो तेज लड़का पूरा मुख्यमंत्री पद का कारोबार करता था, और ये बैठे रहते थे आराम से। और ये इतने भुलक्कड़ थे अपने उद्धव जी जैसे कि एक बार दत्ता सामंत की और उनकी मीटिंग मैंने अरेंज की, तो दत्ता सामंत और मैं उनके घर गए, तो उन्होंने मुझे पूछा कि याला कशाला घेऊन आला, तो बाबा साहेब तुम्हीच तो त्याला अपॉइंटमेंट दिली होती, हो काय बरं बरं बरं, बस ते वो स्ट्राईक चालू था उस समय इसका गिरणी कामगार का, वो आए और टीपॉय था सामने, वो बाबा साहब की बैठने की एक तैयार हाँ करके बैठे, और तंगड़ी अपनी टीपॉय पे डाल दी। अभी दत्ता सामंत था मेरे साथ, तो दत्ता सामंत ने मेरी ओर देखा, वो बोला ये मेरे को नहीं चलेगा, मैं दत्ता सामंत हूँ, ये तंगड़ी पसर के ऐसे तंगड़िया पसरून माझ्यासमोर टीपॉयवर ठेवून बसले, मी चाललो। तो उठून उभा राहिला, बाबासाहेब बोलले काय झालं, तो म्हणाला बाबासाहेब मी एक युनियन लीडर आहे आणि माणसाने माणसाला आदर दिला पाहिजे, रिस्पेक्ट दिला पाहिजे, तुम्ही तंगड्या कसले पसरून बसताय माझ्यासमोर, मी बसतो असं चालेल का तुम्हाला, मग चला तुम्ही इकडे तंगड्या टाका मी पण इकडे तंगड्या। दत्ता सामंत बहुत तेज है, दत्ता सामंत के बारे में सर व्हिडिओ बनाएंगे, मैं 2 साल उसका काम किया हूँ उसके साथ रह के। तो बोले असं झालं का, बरं बरं बरं, मग ते खाली घेतलं मी नंतर त्यांना मी म्हटलं की बाबासाहेब तुम्ही चहाचं विचारता, आपण त्याला जेवायला बोलवलं आहे दत्ता सामंतना,
असा आहे का? अरे इकडे अरे अरे जरा जेवणाची ताटे बिटे बघा काहीतरी, त्यांना आपण जेवायला बोलवलं, मतलब हे भुलक्कड भी था और उनके कोई डिसिप्लिन नहीं थे, वही इनका है। अभी अपना, हम लोग अपना मुद्दा आता है कि क्या आर आर पाटिल का जो फॉर्मूला था, आर आर पाटिल भी मेरे अच्छे खासे दोस्त थे, उनके और मेरे बीच में एक कड़ी थी, मेरे एक अभिजीत राणे करके उद्योगपति पत्रकार ऐसे कंबाइंड मित्र थे, उनका और उनका बहुत गहरा रिश्ता था। तो आर आर पाटिल के पास वो जब भी जाते थे मैं उनके साथ जाता था, और मेरी भी डायरेक्ट भी ऐसी दोस्ती थी, मगर उनका बहुत ये था। तो उन्होंने एक बार उन्होंने खुद मुझे बोला कि साधी राहणी उच्च विचारसरणी याच्यामुळे लोक जेवढे प्रभावित होतात तेवढे कशाने होते। तो वो एकदम सीधा साधा रहते थे, लोगों में मिक्स होते थे, किसी को भी उनके ओपन एंट्रेंस था, और वो मतलब पूरे महाराष्ट्र में हर गांव में नहीं घर घर में जाते थे, लोगों को मिलते थे, किसी का भी कोई काम कभी उन्होंने रोका नहीं था। वो गृहमंत्री भी थे कुछ समय तक सर, उनके जीवन में एक बड़ा काम उन्होंने जो किया वो काम था ये तुम्हारा जो डांस बार बंद हो गया ना, और गुटका है। सर गुटका वो जिंदगी भर मतलब महाराष्ट्र के इतिहास में अमर रहेंगे आर आर पाटिल ये दो गांव के लिए। एक तो उन्होंने खुद गुटका खा के उनका कैंसर हुआ शायद, नहीं उनका निधन हुआ कैंसर से और तंबाकू से हुआ वो बात है, मगर वो शायद कभी कभी क्या है ना आदमी सर अपने अनुभव से भी सीखता है ना, तो वो ऐसा हुआ उनका तो, मगर वो दो मामला तो पूरा उनके ऊपर ही था। हाँ डांस बार अभी तक कहाँ शुरू हुए, वो दूसरा झूठे मूठे चलते हैं वो बात अलग है, मगर ऑर्केस्ट्रा के नाम डांस बार का एक मुंबई का एक वो उन्होंने ये कर दिया। अभी मेरे को लगता है कि शिंदे साहब भी ऐसे कुछ डिसीजन ले रहे हैं कि जो लैंडमार्क होंगे महाराष्ट्र के इतिहास में। तो आपने बोला वो सही है कि शिंदे साहब आर आर पाटिल का फॉर्मूला पूरा फॉलो कर रहे हैं और उससे उनकी लोकप्रियता जी बहुत बढ़ेगी, और उद्धव से जब उनकी तुलना होगी तो ऐसा लगेगा कि भाई उद्धव ने 2.5 साल क्या किया, और इनके बारे में ऐसा होगा कि 2.5 साल में कितना कर सकता है एक चीफ मिनिस्टर, ये उन्होंने दिखा दिया। अभी 2.5 साल का ही उनका कार्यकाल है क्योंकि उसके बाद फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना तय है और इनका उप मुख्यमंत्री बनना भी तय है, ये पता है उनको, मालूम है वो यही समझते हैं। वो सर कैसे है ना आनंद में वो क्या बोलता है कि जब तक जिंदा हूँ मुझे जी लेना है जी। तब तक जैसे वो चीफ मिनिस्टर है उनको चीफ मिनिस्टरशिप जो है वो अनुभव करना है, आनंद लेना है और आनंद देना भी है, तो एक अलग माहौल में वो जी रहे हैं। ये 2.5 साल में उनको इतना काम करना है कि जो 25 साल तक याद रखेगा जी। तो ये आर आर फॉर्मूला उनका है, आपने सही कहा, और उसके लिए मैं उनका अभिनंदन ही करूँगा। धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे एकनाथ शिंदे जी के बारे में, जो उनका इस समय का जो काम करने का पद्धति है, लोगों से मिलना जुलना, लोगों घरों तक पहुंचना, एक जो पूर्व मंत्री दिवंगत नेता आर आर पाटिल की कार्यशैली पर याद दिलाती है, तब उसी को कंपेयर करके हम एकनाथ शिंदे जी चर्चा कर रहे थे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स पर लिखिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।